अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनिया जान। आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं और हम अपने चपली कबाब बनाएंगे ऑयल में नहीं, बल्कि हम चर्बी से जो निकलेगा वो ऑयल हम यूज़ करेंगे, जैसे कि बाहर शॉप्स में मिलती हैं। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जब आप लोग चर्बी में पकाएंगे। चले, हमने अपनी चर्बी चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसको हम पकने देते हैं। तब तक के लिए हम चले जी, जब तक हमारी चर्बी तैयार होती है हम अपनी चॉपिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हम दो प्याज लेंगे, एक टमाटर लेंगे और उसके साथ हम 3 to 4 या 5 हम ग्रीन चिलीज लेंगे। तो देखते रहिए, हम यहाँ पे अपनी चॉपिंग स्टार्ट करते हैं और बहुत बारीकी से आप लोगों ने काटने हैं अपनी प्याज को, ताकि बिल्कुल वो जब हम कबाब बनाएं तो वो उसमें टीक टीक मतलब एडजस्ट हो जाए, उससे बाहर ना निकले। चले जी, हमारी चॉपिंग ख़त्म हो गई है। हमने प्याज, टमाटर और ग्रीन चिलीज को काट दिया है। चले आए, अब मैरिनेट करते हैं अपनी कीमे को। और इसके लिए हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, ज़ीरा चाहिए हमें, और ये अनारदाना चाहिए, साल्ट चाहिए और ब्लैक पेपर चाहिए, ठीक है। और ये हम साथ में कीमे में ऐड, और साथ हम अपनी इसमें दो किस्म के आटे यूज़ करेंगे। ये है जौ का आटा, ये ऐड कर देंगे, और साथ में हमने चने का आटा थोड़ा सा ऐड करना है, ठीक है, ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आ जाए, ठीक है। ये बिल्कुल पिशावर में जैसे कबाब बनते हैं उसी चीज़ की रेसिपी मैं फॉलो कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। और ये जो मैंने अलग से रखे हुए कोरिएंडर है, इसमें रेड चिली है और साथ में गार्लिक ब्लॉब्स हैं, इसको मैं अलग से एक पेस्ट सा बना दूँगी और इसको मैं बीट कर दूँगी साथ एक साथ ही। ये बहुत एक मज़े का टेस्ट हमें देंगे, ठीक है। कबाब में साबित जो कोरिएंडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिच टेस्ट लाता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि पाउडर ना यूज़ करें और आप लोग पाउडर की जगह साबित कोरिएंडर यूज़ करें, ठीक है। चलिए जी, हमारा पेस्ट बन गया है और हम इसको भी साथ में अपने कीमे में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने शांति का मसाला लिया हुआ है, और अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करें, अदरवाइज आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो ये हमें एक डिफरेंट सा टेस्ट देगा और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप लोग ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको जो मैंने मसाले ऐड किए हैं सारे वो कैसे लगे। अच्छा जी, हमने सारे मसाले, आटे सब कुछ ऐड कर दिए हैं। अब बारी है सब्ज़ी की, हम सब्ज़ी भी ऐड कर देते हैं। और साथ में ये देखिए हमारी चर्बी कितनी मज़े से मेल्ट हो गई है, कितने मतलब ऑयल निकल आया है। हम इस ऑयल में मज़े मज़े के कबाब बनाने वाले हैं, तो मेरी रेसिपी आगे तक देखते रहिए। चले जी, सब्ज़ी के बाद मैंने एक अदद अंडा ऐड कर दिया है और इसको हम अपने हाथ से ही स्टिर देंगे, क्योंकि जब कबाब हाथ से नहीं बनेंगे चम्मच से वैसे टेस्ट नहीं आएगा। तो हम चले मिक्स करते हैं।
चलिए जी, हमारा मतलब कबाब का पेस्ट भी रेडी है, तवा भी रेडी है और हमारा ऑयल भी रेडी है, तो आइए बनाते हैं अपने कबाब। अच्छा जी, तो बाहर हम क्या देखते हैं, कबाब के ऊपर एक नली सी उन लोगों ने रख दी होती है, वो मेल्ट हो जाती है। तो मेरे पास नली नहीं है, तो मैं वैसे ही टेक्सचर देने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो चर्बी गला दी थी उसी चर्बी को मैंने पीसेस कर दिए हैं, और इन चर्बी को मैं क्या करूँगी अपने कबाब के अंदर फिक्स कर दूंगी ताकि हमें वैसा टेक्सचर मिले। चलिए, तो मैं एक पोर्शन उठा रही हूँ अपना फर्स्ट कबाब बनाने के लिए। आप लोग भी ज़्यादा उठाए, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा क्योंकि घर में अक्सर कबाब टूट जाते हैं, और मैंने ये रिस्क नहीं लेना था। मैंने भी बड़ा लिया था लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया था। तो आप लोग भी बराबर रखिए ताकि आपके कबाब टूटे नहीं, एक हथेली बराबर हो। ठीक है, ये देखिए मैं अभी नली को उठा रही हूँ और अपने कबाब में फ़िक्स कर रही हूँ। तो ऐसे आप लोगों ने फ़िक्स करना है और ज़रा सी चीटिंग करनी है ताकि हमें वैसे ही लुक मिले और नली लगे, ताकि हमने ये नली ऊपर फ़िक्स कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कबाब रेडी है। चलिए जी, जो ऑयल हमें चाहिए था, देखें आप लोग देख सकते हैं कितनी थोड़ी सी चर्बी से हमें कितना ज़्यादा ऑयल मिल गया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपने ऑयल को तवे पे डाल दिया है ताकि अभी मैं इसमें कबाब बना सकूँ। चले जी, हमारा ऑयल रेडी है और हम कबाब डाल देंगे इसमें। आप लोग सिंपल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग घी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग जो चाहे यूज़ करते हैं, लेकिन बाजार से जो हमें कबाब मिलते हैं वो असल में चर्बी के ऑयल में ही बने होते हैं, इसलिए वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट और उसमें बहुत मज़े का टेस्ट आता है। यही वजह है कि हमें वो पसंद भी ज़्यादा आते हैं। तो दैट्स वाई ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, और मैंने सोचा कि चलें अपने व्यूअर्स के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। चले जी, यहाँ पे मैंने अपने हाफ कबाब चढ़ा दिए, और जो हाफ रह गए हैं उनको भी पहले से तैयार करके रख देते हैं ताकि जब ये बने तो इंशाल्लाह हम ये भी जल्दी से डाल दें, क्योंकि कोई भी वेट नहीं करता खाने के लिए। तो दैट्स वाई हमें ज़रा सा जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। चले जी, ये कबाब मैंने बना दिया है, और ये देखे मैंने नली को फिक्स कर दिया। देखा किस तरह हम चीटिंग करके टेक्सचर बना सकते हैं, और यहाँ पे नली नहीं है, यह हमारी चर्बी है, और इस तरह हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आप लोग भी ज़रा सोचिए और स्मार्ट वर्क कीजिए, और लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाइए। खैर, इससे कुछ भी नहीं होता।
और ये देखिए जो हमने पहले वाला कबाब डाला हुआ था वो तो काला शाह काला बन गया, क्योंकि वो हमने बहुत ही पहले डाल दिया था, वो मैंने तीन कबाब और बनाए। फिर सो कि जला नहीं था, कलर ज़्यादा डार्क हो गया था और कैमरे में वैसे ही कलर डार्क लगता है, तो मुझे इसलिए भी थोड़ा लाइट कलर रखना था क्योंकि कैमरे में ब्लैक जो है वो जला हुआ लगता है, तो दैट्स वाई मैंने ज़्यादा डार्क नहीं करने थे और मैंने उसे कम आँच पे पकाने थे। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि आप लोगों ने प्याज को बहुत ही ज़्यादा बारीक काटना है ताकि हमारी प्याज वेस्ट ना हो और जब हम कबाब बनाएं तो उसमें से प्याज ना निकले, तो आप लोग देख सकते हैं वैसे नहीं निकले, ज़्यादातर लोगों के प्याज ही प्याज निकल रहे होते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और देखे हैं मेरे कबाब का कलर कितना मज़े का आ रहा है, तो चले आप लोग भी ट्राई कीजिए इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे, तो आप लोग ट्राई कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसे लगे। चले जी हमारे सारे कबाब रेडी हो गए हैं, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और एक प्यारा सा प्लेटर उठाइए ताकि आपके कबाब उसमें अच्छे लगे। और ये देखिए जो फर्स्ट टू थे मुझसे ज़रा से थोड़े से ज़्यादा ब्लैक हो गए थे, जले बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि बाहर वाले कबाब जैसा ही टेस्ट आ रहा था, लेकिन ये है कि कैमरे में इसका कलर ज़्यादा बहुत ही डार्क लगता है, तो आप लोगों ने ज़रा से लाइट ही करनी है और कम आंच पे ये मज़े के पक जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे कबाब का कलर कितना मज़े का आ रहा है। और चलिए ये लास्ट कबाब भी रख देते हैं, और इसके गार्निशिंग के लिए मैंने क्या उठाया, मैंने लेमन उठाए हुए हैं और मैंने ग्रीन चिलीज उठाए हुए हैं, क्योंकि कबाब के साथ लेमन और ग्रीन चिलीज ही चलते हैं और यही मज़ा करते हैं। ठीक है, गार्निशिंग इज़ द बेस्ट पार्ट, अगर आप लोग गार्निशिंग अच्छी नहीं होगी, अपने जितनी भी अच्छी डिशेज बना के रखी हो कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल मज़े, क्योंकि आप लोग अपने आंखों से पहले खाते हैं और फिर मुंह से बाद में। ठीक है, ये बात याद रखिए, आंखों से पहले खाते हैं। चले जी जो मेरा काला शाह काला कबाब है वो मैंने बाद में निकाल दिया था क्योंकि वो अच्छी लुक नहीं दे रहा था। ये हमने घर में बनाई है चटनी, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये चटनी आपको बताऊं, सीरियसली सीरियसली बड़ी ईद में बिल्कुल भी गोश्त खाने का इतना दिल नहीं करता और नहीं खाया जाता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, तो इस तरह की मतलब सिरके वाली चटनी हो और स्पाइसी हो उसके साथ ही खाया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट कीजिए, और यहाँ पे हम इसको अपनी चटनी के साथ सर्व करते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए हमारे कबाब कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं आए, बहुत ज़्यादा मज़े किए, और देखिए कलर भी इसका कितना फ्रेश लग रहा है, तो ये देखिए कितने जूसी लग रहे हैं। चलो ये इसको ट्राई करते हैं अपनी चटनी के साथ, और पहला बाइट मैं ही लूँगी क्योंकि मैंने बनाए हैं ना। और ये जी हमने अपना बाइट ले लिया, बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बने, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।